प्रकरण 18 कुंदुकुरी वीरेशलिंगम आंध्र में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत। जिलाधीश महोदय स्कूल का मुआयना करने आए थे। हर कक्षा में जाकर उन्होंने बच्चों से बातें की, पढ़ाई का तौर तरीका देखा, स्कूल के इंतजाम के बारे में जानकारी प्राप्त की। एक कक्षा में पहुंचे तो उन्होंने बच्चों से कहा, तुम सब लोग एक पर्चे में उस बालक का नाम लिखो जिसे तुम सबसे होशियार, मेहनती और ईमानदार मानते हो। सब बच्चों ने पर्चियाँ लिखी और जिलाधीश महोदय को दे दी। उन्होंने पर्चियाँ पढ़ी तो सब में एक ही नाम था, कुंदुकुरी वीरेशलिंगम। जिलाधीश ने बालक कुंदुकुरी वीरेशलिंगम को अपने पास बुलाया और उसे बहुत शाबाशी दी। वीरेशलिंगम के लिए यह बड़े गर्व की बात थी। उन्होंने उसी क्षण प्रतिज्ञा की कि वह जीवन भर इन गुणों की रक्षा करेंगे। आंध्र के राज महेंद्रवरम नगर में जन्मे कुंदुकुरी वीरेशलिंगम का बचपन बड़ा ही कष्ट भरा था। पहले चेचक की बीमारी भोगी, फिर एक बार नदी में डूबते डूबते बचे, लेकिन विद्यार्थी जीवन बहुत अच्छा रहा। वह सदा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। उनकी तेज बुद्धि पर शिक्षक बड़ा गर्व करते थे। अभी वीरेशलिंगम 20 वर्ष के भी न हुए थे कि उनके मामा का देहांत हो गया। पिता तो 4 साल की अवस्था में ही छोड़ गए थे। मामा के चले जाने से पालन पोषण करने वाला कोई न रहा, परिवार का बोझ सिर पर आ गया, पढ़ाई छूट गई। अब वीरेशलिंगम के सामने नौकरी करने के अलावा दूसरा रास्ता न था। वह नौकरी की तलाश में निकल पड़े। जब उन्हीं जिलाधीश महोदय को वीरेशलिंगम की परेशानी का पता चला तो वह कोई अच्छी नौकरी देने को तैयार हो गए। किंतु वीरेशलिंगम किसी बड़ी नौकरी के चक्कर में नहीं फंसना चाहते थे। वह आजीविका चलाने लायक काम करके समाज सेवा में जुट जाना चाहते थे, इसलिए एक छोटे से गाँव में अध्यापक बनकर पढ़ाने लगे। वीरेशलिंगम ने बड़ी लगन और परिश्रम से स्कूल में पढ़ाया। वह विद्यार्थियों को सच्चाई और नेकी की राह पर ले जाने के लिए पढ़ाते, उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते। इससे न केवल विद्यार्थी जगत में बल्कि गांव के सम्मानित लोगों के बीच वीरेशलिंगम का आदर बढ़ गया। उन्हें स्कूल का प्रधान अध्यापक बना दिया गया। वीरेशलिंगम ने जहाँ शिक्षा के प्रचार प्रसार में योगदान दिया, वहीं समाज की बुराई को दूर करने के लिए भी आगे बढ़े। उन दिनों स्त्रियों की हालत बहुत बुरी थी, उन्हें पढ़ाना लिखाना बुरा काम समझा जाता था। विधवाओं को बड़ा ही दुख भरा जीवन बिताना पड़ता था। आंध्र संजीवनी नामक पत्रिका विधवा विवाह और महिलाओं को शिक्षित बनाने का खूब विरोध करती। यह सब देख पढ़कर वीरेशलिंगम को लगा कि समाज उन्हें महिला कल्याण कार्यों के लिए चुनौती दे रहा है। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। पुरुषार्थदायिनी पत्रिका में वीरेशलिंगम ने अपने क्रांतिकारी विचारों वाले लेख प्रकाशित कराए। विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा को धर्म और शास्त्रों के अनुकूल बताया। इससे तत्कालीन रूढ़िवादी समाज में बड़ी खलबली मच गई। सन 1874 में वीरेशलिंगम को धवलेश्वर के उच्च विद्यालय का प्रधान अध्यापक बनाया गया। वहां भी आपने अपना आंदोलन बड़े जोर शोर से चलाया। जनता का बहुत बड़ा वर्ग आपके साथ हो गया। सबके सहयोग से आपने बालिकाओं के लिए एक पाठशाला खोली, फिर महिलाओं की शिक्षा तथा प्रचार के लिए एक पत्रिका भी निकाली, विवेक वर्धिनी। इसके साथ ही उन्होंने बाल विवाह, वृद्ध विवाह, छुआछूत और शराब के खिलाफ भी लेख लिखे। वीरेशलिंगम के इन क्रांतिकारी कार्यों को आंध्र का रूढ़िवादी समाज भला कैसे बर्दाश्त करता? जो लोग विधवा विवाह का समर्थन करते उन्हें समाज विरोधी कहकर अपमानित किया जाता। स्वयं वीरेशलिंगम को भी कई बार अपमानित होना पड़ता, किंतु वह घबराए नहीं। उन्होंने अनेक युवकों को बाल विधवाओं के साथ विवाह करने के लिए राजी किया। जब ये विवाह संपन्न हो गए तो समूचे आंध्र में क्रांति की लहर दौड़ गई। धीरे धीरे वीरेशलिंगम के प्रयत्नों से आंध्र में नई सामाजिक चेतना आई। वीरेशलिंगम के सामाजिक कार्यों के लिए देश के सभी तत्कालीन नेताओं ने बधाई दी। महादेव गोविंद रानाडे ने तो उन्हें दक्षिण के विद्यासागर कहा था। आंध्र में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत के रूप में वह आज भी स्मरण किए जाते हैं।